थैंक यू जाजर, थैंक यू मनीष सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रेम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कुछ लोग तो हम चेहरे से परिचित हैं और कुछ जानते भी हैं हमारे बारे में कि हम हाथ से कवि हैं, खुद को कवि कहते हैं, वैसे है नहीं, इंजीनियर हैं अभी मदरसन में। फिलहाल जो अब यहाँ का प्रोग्राम है, आप बिल्कुल बिना टेंशन कि हम ऐसा ना सोचें कि कंपनी में आए हैं तो थोड़ा तनाव सा महसूस करें, ऐसा करने की कोई बात नहीं है, बिंदास रहो। जो परिवार के साथ आए हैं उसका भी स्वागत है। आज जो ऐसा समझे कि हम अपनी वाली के साथ तो आए ही नहीं हैं, इस तरह से प्रोग्राम का मजा लें। और ये बच्चों का प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, आप मोटिवेट करिए, उनको उत्साहित करिए, तालियों के साथ उनका स्वागत करिए अगर आएँ तो यहाँ पर, उनको मोटिवेट करिए ताकि वो आगे अच्छा डांस कर सकें या कुछ और प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो कर सकें। तो बच्चों का तो कहना ही क्या, छोटे आजकल के बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं, और ये कहो तो ठीक रहेगा कि बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, आजकल तो बाप ही पैदा हो रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक कविता रखूंगा, पहले हंस उस लिया करो, कोई ऐसा तनाव मत बैठो। कहीं हमारे यहाँ जब पहले इंजीनियरिंग में पढ़ता था ना मैं, वहाँ मैं जैसे भी जाऊँ, जो प्रोफेसर्स होते हैं ना वो ऐसे मुंह बना के खड़े रहते थे जैसे पुरानी पीढ़ी कब से पीड़ित हो और सुबह अपेक्षित सुविधाएं ना मिल सकती। तो ऐसा मत तनाव महसूस करिए, यहाँ आयो बिंदास, एक बार तालियों से हमारा भी स्वागत करो, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ कोई लोग हमें अच्छे से सुनने वाले हैं। ये तो बच्चों का क्या कहना, एक इंग्लिश की टीचर बच्चे को कह रही थी कि बेटा अगर तुम 12th तक पहाड़े सुनाओगे ना मैं तुम्हें किसी दूंगी, अगर उससे ज़्यादा सुनाओगे जैसे ही बढ़ते जाओगे ना तो डबल करते जाओगे। तो मैडम बोल, वो बच्चा बोला, मैडम अगर हम 20 तक सुनाएंगे तो क्या ऑफर है। तो मतलब ये चीज़ें, अरे समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इतना भी गहरी बात